They are one of the leading manufacturers of hand knotted and hand crafted carpets in India. And the organization is very unique from the standpoint of its vision, where they work on mobilizing artisans to become artists. And in that process, finding the joy at work that they do, finding themselves through the work that they do. And which is something that translates not just on the field with the artisans, but also the kind of work that we do at the office. So the Jaipuraks has their headquarters at Mansur over here in Jaipur. And it's about 500 people working from the place, building this global luxury brand. Sir Piyush is going to talk about building this culture, this work culture, wherein everybody through the system that they have built, which is a process of self-management that they operate on, how every individual is finding themselves. So that's going to be super interesting. Also understanding how organizations that have fluid roles, kaise kaam karte hain, when people just come in thinking ki, okay, I want to do something creative, but I don't know what creative exactly. And Jaipuraks has built this whole beautiful system where there are so many young people coming in every single day with just this thought that, okay, I have few ideas, I don't know how to put them together. And Jaipuraks helps them put them together. So may I please introduce you to Piyush sir, who's gonna take us through his journey of the last 30 years working in the industry and also his time with Jaipuraks. Dipali, and thank you for inviting me in such very nice program. मैं जब दीपाली मुझ में पहली बार आया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मतलब ये फंक्शन में पर्टिकुलर, तो यहाँ पे मैं जब घूम रहा था तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ आर्ट, मतलब मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरे मदर फादर को मैं पूछ, मतलब मेरे जनरली मतलब अपने मदर फादर अपने को बोलते हैं कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तो अपने माइंड में वही थॉट रहती है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वहाँ पे एंड है ना? पर जब यहाँ पे अपन आज देख रहे हैं, ये मैं 110% बोल सकता हूँ कि इट इज मोर देन डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये शायद सब लोग एग्री करते होंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल दीपाली जी, इट्स अमेजिंग वर्क एंड रियली नाइस, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं आप लोग इधर आए हैं, आप लोग मेरे को सुनने के लिए, इसलिए भी आई एम वेरी ग्रेट, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। सो फिर भी मैं एक बार आप लोगों का स्माइल के साथ गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ। गुड इवनिंग, मुझे नहीं है स्माइल नहीं आ रही है। गुड इवनिंग, अभी भी नहीं आई, मतलब वहाँ आवाज आनी चाहिए। गुड इवनिंग, स्माइल के साथ बोला था, चलो बहुत बढ़िया, बहुत स्माइल आई। मैं ये क्यों करवाया इसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें दीपाली जी ने ये बोला था कि आपको जोई के बारे में बात करना, जोई एट वर्क। मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर ही कर दिया है कि नहीं, आपने स्माइल किया, जो अभी भी बहुत लोग स्माइल कर रहे हैं, ओहो काफ़ी स्माइल तो आपको मैंने एक जो ही तो बता दिया कि हम कैसे काम करते हैं, यही स्टाइल है हमारा है। सो मैं थोड़ा जयपुर रक्स के बारे में भी बताऊंगा, तो हम क्या करते हैं, कैसे जॉय एट वर्क हम लाते हैं, और कैसे मतलब क्रिएटिविटी आती है, कैसे मतलब एक आर्ट उभर के आता है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक हमारा एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको सबको बताऊंगा। जयपुर रक्स मानसरोवर में हमारा शोरूम है, हमारा अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन है, अलग अलग गांव में वीवर्स है,
यान भी हम लोग बीकानेर साइड में काफ़ी बनाते हैं, मिर्जापुर में डाइंग है हमारा, प्लस सड़वा सुराना करके जो एरिया है वहाँ पे हमारा कारपेट जो बनता है, बेसिकली कारपेट सब जानते ही है कारपेट क्या होता है, तो कारपेट जो बनता है वो सब हम लोग वहाँ पे फिनिश करते हैं एंड फिर वो पूरा हम एक्सपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी हमारा एक्सपोर्ट है। सो इनके जो ओनर है वो नंदकिशोर चौधरी जी है जो इसको पूरा संभालते हैं एंड उसके साथ उनके दो बेटे और तीन बेटियां भी साथ में ही काम कर रहे हैं। तो मैं एक थोड़ा आपको ये ब्रीफ देना चाहता था, फिर भी मैंने सोचा है कि एक जर्नी के बारे में, जो जयपुर रक्स की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और कितना मज़ा आता है। मैंने ये थोड़ा लिख के लाया हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। बेसिकली जो जयपुर रक्स की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू की बात करें, जो हमारे जो ओनर का थॉट है, जो एक एक एम्प्लॉय के साथ जुड़ा हुआ है, वो है हम कारपेट बेचते हैं, हम तो ब्लेसिंग देखते हैं जो हम लोग जो आर्टिशियल ने बनाया, वीवरों ने बनाया, जो कतवार है, जो यान बनाते हैं, जो स्पिनर है जो हमारे उनने बनाया, ये हमारा थॉट है। तो इसलिए ये होता है कि हम लोग बहुत क्लियर है कि हमको आगे क्या करना है। हम कभी भी ठीक है एक इंट्रोडक्शन के लिए हम बोलते हैं कि हम कारपेट बनाते हैं, लेकिन हमारा जो बैक ऑफ माइंड, जो हमारा माइंड में है वो ये है कि हम ब्लेसिंग देखते हैं। हम तो एक खाली कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट आप सब लोग समझते होंगे क्या मतलब है, मतलब जो प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो हम तो खाली इतना ही है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक कैटालिस्ट की तरह है, जो लोगों की ब्लेसिंग है उसको हम सेल करते हैं और एक कस्टमर तक लाते हैं। जो लोगों की आर्ट है, लोगों की डिज़ाइन है, जो गांवों में है उसको हम आगे लाते हैं और वो ब्लेसिंग हम लोगों तक लाके बेचते हैं। बस यही हमारा एक वैल्यू है। मैं जस्ट हमारी कंपनी की एक हिस्ट्री भी यहाँ पे बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को जस्ट पता चले। 1978 में हमारे जो ओनर है, जो फाउंडर है मिस्टर नंदकिशोर जी, हम उनको जनरली भाई साहब बुलाते, दूसरी कंपनी में बॉस बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना भाई साहब, मतलब ये उनका रुतवा है, एक रिस्पेक्ट है। जब नंदकिशोर जी ने 1978 में चालू किया था तब उसके पास एक बैंक की जॉब थी जो करीबन 5000 रुपये की सैलरी मिलती थी, बट उन्हें वो नहीं लिया, दे स्टार्टेड टू मेक कारपेट। तो वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई, जिसमें उसने खाली दो लूमों से चालू किया काम, और मैं आगे बताऊंगा अभी कितनी लूमे हैं, और 9 वीवर थे खाली। फिर 1986 में हमने बिजनेस चालू किया डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का, जो कारपेट एक्सपोर्ट होती थी उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। 1992 में जो एक यहाँ पे एक जो मैजिक की बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम एक वॉकी टॉकी, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं और हमारा जो भी काम चलता था वो अलग अलग गांवों में चलता था, तो गांव में हम लूम लगाते थे तो उसको कुछ बोलना है, कुछ जवाब देना है या उनको कुछ पूछना है, तो कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं। और उस टाइम एक भाई साहब ने गवर्नमेंट के साथ बात करके स्पेशली एक अप्रूवल दिया, तब वॉकी टॉकी भी
गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती थी क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो अलाउ नहीं होती है। अभी तो खैर बहुत मोबाइल आ गए, वॉकी टॉकी भी आ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैजिक था उस ज़माने में, जो एक मॉडर्नाइजेशन था कि कैसे हम आर्ट और डिज़ाइन को सरफेस पे लाए। खाली इंजीनियर एंड डॉक्टर को आगे बढ़ने का नहीं है, यहाँ ये थॉट था कि वो वीवर को, वो जो गांव में पड़ी हुई आर्ट एंड डिज़ाइन है, उसको हम कैसे सरफेस पे लाए और उसके साथ हम कम्युनिकेशन कैसे फास्ट करें। तो ये थॉट भाई साहब के पास बहुत पहले से थी। उसके बाद 1999 में बिजनेस गुजरात में काफ़ी डेवलप किया, धर्मपुर करके ब्रांच आज भी हमारी उधर है जहाँ से अभी भी वर्किंग होती है। 20 साल गुजरात में काम करने के बाद फिर इसको जयपुर में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट जयपुर कारपेट के नाम से बिजनेस चालू हुआ एंड 2000 के आसपास एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट का मतलब सॉरी एक यूएसए में अपने कंपनी डाली जो आज भी है, वेरी एग्रेसिवली दे आर सेलिंग अवर प्रोडक्ट, इज अवर सिस्टर कंसर्न ओनली। 2004 में हम लोगों ने एक जयपुर रक्स फाउंडेशन की स्थापना की जो बहुत सोशल एक्टिविटी कर रही है, मतलब इट्स नॉट कि हम लोग खाली वीविंग कर रहे हैं व्यूअरों से उसको आगे ला रहे हैं, बट उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी ये जयपुर रक्स फाउंडेशन के लोग वहाँ जाते हैं, उसको सुनते हैं। गांव-गांव में इतना फैला हुआ है कि उसकी कोई तकलीफ है तो उसको भी हम लोग सुनते हैं। मतलब एक पर्पज़ ये था कि आर्ट एंड डिज़ाइन को आगे लाना और पैरेलली उसकी बात सुनना, क्योंकि उसको सुनने वाले आज की दुनिया में कोई है नहीं। हम सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सिटी में शिफ्ट हो रहे, गांव के लोग जो भी है उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, इसलिए वो लोग सिटी में शिफ्ट हो रहे, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन एक जयपुर रक्स फाउंडेशन ऐसा था कि वो गांव में जाके आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं कि उसकी क्या तकलीफ है, उसका क्या सॉल्यूशन है। सो इसका एक बहुत अच्छा 2004 में स्टार्ट हुआ। 2006 में एक बहुत बढ़िया जो अमेरिकन मैग्निशियन कारपेट अवॉर्ड मिला कंपनी को। 2007 में जयपुर रक्स 40,000 आर्टिशियन इंडिया के अंदर को क्रॉस कर दिया, मतलब तो आप समझ सकते हो कि कितनी वैल्यू है इसकी। आज की तारीख में हम 40,000 के ऊपर आर्टिशियन हमारे साथ हैं। सो अमेजिंग जॉब। 2008 में हम लोगों ने शोरूम चालू कर दिए जयपुर, जयपुर में ही एक शोरूम है, शायद किसी ने देखा है या नहीं देखा, अगर देखना है तो आप 100% जाइए, जो इट्स नॉट शोरूम, आप एक बार देखें वहाँ पे क्या आर्ट है, क्या डिज़ाइन है, अमेजिंग। सो मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं चांस मिले तो एक बार जाके आइए। अभी वैसे हमारे पास दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, वहाँ पे पूरे नए शोरूम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 2013 में हम लोगों ने मतलब आउटलुक बिजनेस करके एक मैगजीन में हमारा कवर स्टोरी आया था, जो बहुत लिमिटेड कंपनियों का आता है, जो हमारा कवर स्टोरी में था। 2016 में हम लोगों ने लोकल में सेल करना चालू कर दिया, मतलब ये सब शोरूम बनाए और लोकल में हमने कारपेट बनाना चालू कर दिया। 2018 में एक डोमोटेक्स करके हम लोगों ने एक डिज़ाइन भी डेवलप की है जो आज भी बहुत पॉपुलर है, और जर्मनी में ये जो फेयर होता है उसमें हमने लॉन्च किया था और आज भी हम लोग कर रहे हैं। सो कहने का मतलब हमारे साथ आज 40,000 आर्टिशियन के प्लस लोग हैं, 7,000 लूम है गांव-गांव में, हमारे पास एक भी जयपुर में नहीं है,
एक गांव में है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना। वो गांव में है, एक एक जगह पे है, जो अनबिलीवेबल है। और 600 गांव के साथ हमारा कनेक्शन है, 5 स्टेट में फैला हुआ है बिजनेस, ये बिजनेस जो हम विविंग करते हैं। किसी ने मुझे बोला कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इसमें जॉय कहाँ गया है कि नहीं, शायद सबके माइंड में ये है। तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ स्टोरी आप बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी। पहले तो जो जॉय है, जॉय कहाँ है पहले अपन समझे। कोई बताएगा प्लीज, आपको जॉय कहाँ लग रहा है प्लीज? कोई भी बोल सकता प्लीज? यहाँ। बहुत बढ़िया, दीपाली जी ने बोला कि यहाँ जॉय है। जॉय कहाँ है, जॉय कहाँ लग रहा है आपको? जॉय एट वर्क, सिंपल। बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? मनोज जी ने बताया कि विलेज के साथ जुड़ के, बहुत बढ़िया। और कोई? या जो हम काम कर रहे हैं उसमें, बहुत बढ़िया, बहुत जो काम कर रहे हैं उस पे मुझे जॉय है, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ, जो आई थिंक 75 ईयर्स से वो लोग स्टडी कर रहे हैं कि आदमी का जॉय कहाँ है, हैप्पीनेस कहाँ। उन लोगों का इतना स्टडी किया, मतलब 15 साल से एक आदमी का मन में तक उन्होंने चेक किया कि भाई वो कैसे हैप्पी रहता है। बहुत लोगों का ये स्टडी किया, उसमें एक फाइनल पॉइंट आया, जिसका रिलेशन अच्छा है दे आर लिविंग वेरी हैप्पी। जिसके रिलेशन, चाहे वो घर में हो चाहे कंपनी में हो, तो मैं ये बोलना चाहूँगा इधर कि हम आपके साथ और हमारे एम्प्लॉई के साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि अपने आप लोग जो है वो जॉय महसूस करते हैं। तो ये तो हार्वर्ड मतलब इतने 75 इयर्स का रिसर्च हुआ, उसके बाद इन लोगों ने ये कंक्लूड किया। लेकिन ये तो हमारी कंपनी में बहुत पहले से है, जब से मतलब नंद किशोर जी ने ये कंपनी चालू की तब से है। एंड दूसरा ये है कि जॉय, मैं बोलूँगा आप खुश हो जाओ, आपने स्माइल कर दिया, लेकिन आपके अंदर अभी भी कुछ पॉइंट है तो आप जॉय फील नहीं करोगे। मैं कुछ भी बोलूँ आपको, हंसाऊँ या आपको कुछ भी करूं, यहाँ पे कोई मूवी लगाऊं या कुछ भी करूं, अगर आप दुखी है तो दुखी है। तो जॉय ऐसी चीज है जो आपकी चॉइस है। अगर आपकी चॉइस दुखी रहनी है तो मैं कुछ भी करूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यस, मैं ये कर सकता हूं या मेरी कंपनी ये कर सकती है कि हम जॉय का एनवायरनमेंट दे सकते हैं, है कि नहीं? मतलब मैं आपको ऐसा एनवायरनमेंट दूं जिसमें आपको फील हो जॉय, तो आप डेफिनेटली उस एनवायरनमेंट में, जैसा आपने बोला कि भाई मैं कनेक्ट करता हूं जब व्यूअरों के साथ या गांव में कनेक्ट करता हूं तो मैं जॉय फील करता हूं, राइट? तो हम वो एनवायरनमेंट देते हैं, है ना? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर एक के लिए अलग अलग जॉय है, बट हम वो टाइप का एनवायरनमेंट देते हैं। और इसके अलावा अगर जॉय का एनवायरनमेंट देने के लिए जो हमने वैल्यू बनाई है, वो वैल्यू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है या मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है। जैसे हमारी जो वैल्यू है वो एम्पथी है, एम्पति सब जानते ही होंगे, सहानुभूति। मैं आपको एक एग्जांपल देना इधर चाहूंगा। नंद किशोर जी ने जब ये बिजनेस चालू किया तो बहुत लोग कनेक्ट हुए इनिशियली, या अभी भी बहुत कनेक्टेड है। तो 2007 की बात है,
एक कोई ग्रोसरी वाला और दूध देने वाले थे, वो जनरली उनके घर जाते थे, रमेश करके नाम था उसका। तो कभी उसने बोला कि मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, तो नंदकिशोर जी ने बोला कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हारे रिलेटेड जो भी काम है हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो धीरे धीरे उनने हमारी जो जो व्हीकल होता है उसका मेंटेनेंस एंड ये सब देखभाल करना चालू कर दिया। कुछ टाइम के बाद इतना लगन से और इतना दगस से वो काम करते थे, कुछ टाइम के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसकी आँख की रोशनी चली गई। हम सब लोग मतलब नंदकिशोर जी भी बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया, मतलब सडनली क्या हो गया। देखिए, कोई आदमी जब कमाता है एंड घर का एक मेन आदमी है और उसको ऐसा हो जाए तो क्या होता है। तो नंदकिशोर जी ने उससे बात किया कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कैसे करें अभी। मतलब सब लोग टेंशन में थे कि भले कुछ भी करता था, एक व्हीकल का ध्यान रखता था, बट ऐसा हुआ है तो इसको क्या करें। फिर उस आदमी को जब हॉस्पिटल में मिलने गए नंदकिशोर जी, तो उसने बताया कि सर आप मुझे आपकी कंपनी में एक कैंटीन खोलने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा, भले मेरी आँख हो ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंदकिशोर जी ने एग्री किया कि भाई तू कर पाएगा ना, तेरे को कोई और हेल्प चाहिए तो बता। बट उसने बोला नहीं, मैं मैनेज करूँगा। और आज की तारीख में भी हमारी कैंटीन वही चलाते रमेश जी, और बहुत बार नंदकिशोर जी उनके साथ चाय भी पीते। तो ये जो जो जुनून है जो काम करने का और लोगों के साथ मिलके सहानुभूति दिखाने का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जोय लाने के लिए। दूसरा एक जो हमारा वैल्यू है वो है इंटीग्रिटी। सो आप लोग जानते हैं इंटीग्रिटी क्या है। सपोज यहाँ से निकलने के बाद मैं अकेला यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ मैंने देखा लाइटें चालू है, तो मैं डेफिनेटली ये लाइट बंद करूँगा। लेकिन बहुत लोग मतलब हैबिट हो गई है अपनी इसमें, बहुत लोग में मैं भी आ जाता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत लोग हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। सो हमारी कंपनी में ये बहुत क्लियर है कि इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो कि भगवान अपने को देख रहा है कि कुछ अपन गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, भले कंपनी देखे कि नहीं देखे, लेकिन भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो जब इंटीग्रिटी आदमी में आती है तो ऑटोमेटिक आपके पास हैप्पीनेस आती है। सो ये हमारी कंपनी में ऑलरेडी है। एक हम एक फ्रीडम देते लोगों को, जो बोलते हैं कि सेरेट विजडम। हमारी कंपनी में ये काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसको वैल्यू दी जाती है। उसका एक एग्जांपल है, जो नंदकिशोर जी के जो बेटी है कविता मैडम, हम उसको कविता मैडम बोलते हैं, उसने फॉरेन में स्टडी की डिज़ाइन एंड आर्ट्स में। अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो मुझे भी पता नहीं इतनी डिग्रियाँ हैं उनके पास, जो डिज़ाइन में काफ़ी काम किया, मतलब इज बिकम लाइक एनीथिंग। तो उसने कंपनी में यहाँ पे जयपुर में वो काम चालू किया डिज़ाइन का, एंड काफ़ी काम कर रहे थे, काफ़ी डिज़ाइने वो बनाते थे, सक्सेसफुल भी थे। लेकिन एक दिन उनको ये लगा कि जो मेरे में ज्ञान है वो तो हर लोगों में है, आर्ट एंड डिज़ाइन तो हर जगह पे मिलेगी आपको,
और वो गांवों में भी है, वो वीवर जो काम कर रहे हैं उसके पास भी है, तो क्यों नहीं हम उनके साथ बात करें और ऐसी डिजाइन उनसे बताएं कि भाई आप कुछ करो इस डिजाइन में, क्योंकि आज तक हम, आज भी अगर आप देखेंगे उन वीवरों को हम वर्कर की तरह ही ट्रीट करते हैं दूसरी कंपनियां, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे वो लोग हमारे स्टेक होल्डर है, यहां पे हम लोग उसको फ्रीडम देते हैं। हम लोगों ने जब ये आइडिया को प्लान किया कि क्या हम उन लोगों की डिजाइन के हिसाब से कुछ कारपेट बनाए, तो नंद किशोर जी को इनिशियली ऐसा लगा कि ये क्या सच में होगा, कहीं हम गलत कारपेट बना के मार्केट में अपना नाम तो खराब नहीं कर देंगे। लेकिन जब कविता जी का कॉन्फिडेंस देखा उसने, तो उसने सोचा कि एक बार ट्राई करते क्या जाता है ट्राई में, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, हमारे यहाँ सबको फ्रीडम है। जब मनचाहा करके इस कारपेट का नाम दिया गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, इस कारपेट की वजह से हमको ग्लोबली इतने अवॉर्ड मिले हैं, और हम उन वीवरों को, उन आर्टिशियन को साथ में लेके फॉरेन के अवॉर्ड मिले, यहाँ के अवॉर्ड तो छोड़ दो, मतलब जहाँ पे पूरा वर्ल्ड के लोग आके अपनी डिज़ाइन बनाते हैं, बट ये यूनिक डिज़ाइन में इसको कैटेगराइज किया गया और उसको अवॉर्ड दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि गाँव में भी ऐसी आर्ट है जिसको हम लोग एक फ्रीडम जब देते हैं तो ये उभर के आती है, और फ्रीडम है तो कहीं ना कहीं जॉय है। अगर आपके पास फ्रीडम है, मतलब मैं आपको बोलूँ कि भाई आप लोगों को 10 बजे तक यहाँ से हिलना नहीं है, 2 मिनट के लिए आप मेरे को कुछ ना कुछ अंदर से बोलोगे, है ना, तो हम लोग ये करते नहीं हैं। हमारी कंपनी आपको फ्रीडम देती है, जॉय देती है, अल्टीमेट पर्पज़ ये है जॉय। तो ये फ्रीडम का मैं आपको बताया, दूसरा एक जो था, एक और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। रिसेंट एक केस था, मतलब थोड़ा पुराना है, बट एक रिसेंट केस को भी मैं कनेक्ट करूँगा उसको। हमारे यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब DIG थे, वो एक गांव में हमारे सब जहाँ जहाँ ये कारपेट बन रही है व्यूअरों के पास गए, और उसने देखा कि कितने हैप्पीली और कितने जॉय से यहाँ पे काम करते हैं लोग। तो उसने नंद किशोर जी को अप्रोच किया कि क्या हम ये सब कुछ जेल में नहीं कर सकते कैदियों के साथ। अब आप मुझे बताओ कि क्या हम जो 2-3 खून कर चुके हैं, ऐसे कैदी है, उनके साथ सोच सकते हैं कि हम उनके साथ कुछ काम करवाए? नहीं सोच सकते, है ना, जो यहाँ पे सोच है। आज हमारी 3 से 4 जेलों में अलग अलग काम चल रहे हैं, और वो लोग कारपेट बनाते हैं। जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत लोगों ने अपोज किया था, बोले क्या कर रहे हो। नंद किशोर जी को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, अरे वो तो उसका कर्मों का फल है जो अंदर भुगत रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, जेल में पनिशमेंट देने का सोच रहे, पनिशमेंट ही सोच रहे, हम तो यही सोच रहे। लेकिन किसी ने ये सोचा कि इसको अपन सुधार सकते और सुधार के वो लोग बाहर आ सकते। उन जितने भी कैदी थे, जितने भी कैदी, उसको जब हम लोगों ने काम चालू किया था तब उसके दिमाग में यही था कि बाहर निकल के तो उसको मारूंगा जिसने मेरे मुझे जेल में डाला। लेकिन आज हम जब उसको मिलते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो कारपेट बनाने में बहुत सुखी हूँ। सो ये चेंज है, ये जॉय है।
रिसेंटली आई थिंक एक वीक पहले हमारे ब्रांच मैनेजर जो जेल का काम देखते हैं उसके साथ मैं जा रहा था एक गांव में, तो एक फ़ोन आया, पता नहीं कहाँ से, ओडिशा से कोई लेडी का फ़ोन था, तो उसने स्पीकर चालू किया, तो वो उसको बता रही थी कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पति को बहुत सुधार दिया है। तो मैं चौतमल जी करके है जो हमारे ब्रांच हेड है, उसको बोला आपने कौन सा सुधार दिया, मतलब क्या नया बिजनेस चालू कर दिया सुधारने का। तो बोला नहीं 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 आप सुनो ना खाली। तो मैं सुन रहा था कि उसका पति जेल में था और वो कारपेट बनाता था, 15,000 रुपये कमाता था हर महीने। तो वो चौतमल जी को इसलिए बोल रही थी कि पहले जब वो ये कारपेट नहीं बनाते थे तब हर महीने हमारे पास 2-3 हज़ार रुपये मंगाते थे जेल में, क्योंकि जेल में भी कुछ फ्री नहीं होता, कुछ परचेज करना है तो वहाँ पे भी पैसा देना पड़ता है कुछ। और आज की तारीख में वो लोग हमको, मतलब जो उसके हस्बैंड है, वो करीबन 12-15 लाख दे रहे हैं, 12-15 लाख दे रहे हैं, 12-15 हज़ार दे रहे हैं। तो ये मैजिक आप समझ सकते हो, और आप ये समझ सकते हो कि उसकी फैमिली में जोई कितना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ ये सोच रही कि वो जेल में ही रहे, बट एक उसको अलग जोई है कि मेरा पति आज मेरी केयर कर रहा है। एक जोई ये है कि वो मुझे पैसा भेज रहा है, वो केयर कर रहा है। एक रिलेशन आया, मैंने बोला ना पहला ही एग्जांपल, कि एक रिलेशन आपके अच्छे है तो जो ही अपने आप आएगा। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। दूसरा मैं एक और यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है हमारी कंपनी की वैल्यू, सिंप्लिसिटी। एक कंपनी में मेरा टोटल 30 साल का टेक्सटाइल में एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत कंपनियां देखी, एक दो कंपनी तो ऐसी थी कि जहां पे अगर छुट्टी चाहिए तो 4 दिन की तो प्रोसेस थी कि बॉस तक वो एप्लीकेशन जाती थी और तब जाके पास होता था। मतलब वहां रूल ही ऐसा था कि एक वीक पहले आपको बोलना पड़ेगा तब जाके आपकी छुट्टी पास होगी भैया, ऐसा बोलते थे। मैं कभी कभी बोलता था कि भाई हमको अर्जेंसी है तो क्या करना, बोला छुट्टी पास नहीं होगी, है ना। तो प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स। आज मैं एक वीक के बाद कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अर्जेंसी वाला प्लानिंग एक वीक पहले कर लूँ, कभी कभी अर्जेंसी भी आती है। लेकिन यही चीज़ है जो सिंपल होनी चाहिए। तो जो नंद किशोर जी का जो आइडिया है कि हम कोई चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, कोई प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी टाइप की प्रोसेस ना बनाए, सिंपल बनाए। आज मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप समझ सकते हो तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सिंपल वे से आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं बहुत कुछ मंत्र उच्चार बोलना लगूंगा तो इसमें कोई नहीं रहेगा, जो ये चेयर उठाने भाई साहब हो गए वही रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, है ना। तो जितना सिंपल अगर आप काम को समझते हैं उसी में जो ही आता है, और वही हमारी वैल्यू है। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि हमारी वैल्यू काफ़ी कनेक्टेड है। दूसरा जो हमारा एक और वैल्यू है वो है विनम्रता। अब जो विनम्रता है वो कब आएगी अपने, कोई बताएगा? जब आप बात करेंगे, प्लीज प्लीज, जब आप बात करते हैं किसी से आपको पोलाइट होना ही पड़ता है। वेरी गुड, जब आप बात करते हैं तब पोलाइट होके अगर बात करें तो विनम्रता आ जाएगी। कोई बताएगा प्लीज, यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सॉरी मैं तो आपसे बात करने ही आया हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
आप बोल सकते हो, अगर माइक चाहिए तो माइक भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं। कोई बताएगा? जैसे इसने बहुत अच्छा बोला पोलाइट, मैं खाली इतना बोलूंगा, जहाँ पे ईगो नहीं है वह विनम्रता आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे आप अगर नंद किशोर जी को मिलोगे ना, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कितने वो ईगो लेस आदमी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा व्यू आपको अगर मैं यहाँ थोड़ा रखना चाहूँगा, किसी ने मुझे बोला था कि भगवान कहाँ है, मुझे पूछा था कि आप कभी भगवान को मिले, मैंने उसको एक ही जवाब दिया था, आप नंद किशोर जी को मिल लो। आप एक बार मिलोगे आपको पता चलेगा, जैसे भी चांस मिले आप एक बार मिल लो उस आदमी को, क्योंकि उसकी जो थॉट है, उसके जो विचार है कि कैसे वीवरों को आगे लाना, कैसे जिंदगी में जॉय लाना, कैसे ये जितनी भी वैल्यू है उसको ऊपर लाना, तो जब आप एक बार मिलोगे या वो बहुत मतलब आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं उनको, क्योंकि लिंक्डइन में उनके बहुत से पोस्ट होते हैं, बहुत से इजी वे है, इट डजंट मीन कि आप नहीं मिल सकते हो। सो आई वुड लाइक इफ यू वांट टू मीट हिम, यू मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन ए लाइफ। और फॉर्चुनेट ये है कि मैं तो रोज मिलता हूँ, तो जो बोलते हैं ना कि भगवान को एक बार दर्शन करना, तो मुझे तो चांस वो रोज मिलता है। और शायद ये हो सकता है कि मेरा 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब बोलते हैं ना कि तपस्या करनी पड़ती है, तो वो मैंने 30 साल की तपस्या की तब जाके मुझे ये मिला। एंड आई रियली थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि ऐसे आदमी का मेरा एक मुलाकात करवाया है, और मैं आज आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी जॉयफुल कि आई एम ऑल्सो शेयरिंग विथ यू कि कैसे जॉय आता है और कैसे कैसे हम लोग वर्क पे जॉय लाते हैं, राइट। बाकी देखिए, हमारी जो कंपनी है, फाइनेंशियल अगर डेटा की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर है, बाकी करीबन 907 स्टाफ है हमारे पास, जो अलग अलग डिज़ाइन है, परचेज है, स्टोर है, वो सब एक्टिविटी को हैंडल करता है। एंड 907 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई हैप्पी नहीं है, क्योंकि तो जिस जगह पे अगर ऐसी वैल्यू हो वहाँ पे जॉय तो ऑटोमेटिक आता है। बट मैं अगेन बोलूँगा, जॉय आपकी चॉइस है, हम तो खाली एनवायरनमेंट देते हैं। हाँ, मतलब कोई मेरे पास आएगा, अरे आपने तो बोला था 907 में जॉय जॉय है, बट दो तीन लोगों को तो हमने दुखी पाया, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज उसका चॉइस था, हमने एनवायरनमेंट तो दिया था उनको। हाँ, सो थैंक यू, आपने मुझे सुना, और इससे मैं बहुत हैप्पी हुआ, और ज़्यादा हुआ हैप्पी तो था ही, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फ्रीडम तो पहले भी था, हमारी कंपनी में भी है। यस दीपाली जी, जी थैंक यू सो मच। वीवर्स की जो हमने बात करी है ना, आपने बताया कि 40,000 वीवर्स हैं, तो उनको जो आगे का इंटीग्रेशन है, जिससे कि आपका रीडिंग हो गया, उसके आगे का उनको एक्सपोजर आप लोग कैसे देते हैं? बहुत सही आपने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब एक तो है कि वैल्यू हमने जो बनाई है, लेकिन वो वैल्यू को, जो आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस वैल्यू को हम व्यूअर तक कैसे पहुँचाते हैं, जो मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन। हम लोग जो इतने 40,000 व्यूअर हैं,
600 गांव है, तो उन सब लोगों को हमारे यहाँ इनवाइट करते हैं आने के लिए। मैं अभी रिकॉर्ड थोड़ा भूल गया हूँ कितने व्यूअर अभी तक आए हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। करीबन हर वीक में 2 से 3 बार 60 व्यूअर हमारे कंपनी में आते हैं जो इस वैल्यू को समझते हैं, जो उसने जो बनाया उसको वो देखते हैं कि कैसे बनाया, कहाँ पे गलतियाँ। दूसरा जो एक चीज़ हम आप लोगों को शेयर करना भूल गया, जो ये क्वेश्चन से मैं ये, हम मैनेज करना नहीं जानते। मैनेज मतलब मैंने इनको बोला ये कर दे, हमारी कंपनी में वो कल्चर नहीं लाना चाहते हम, सेल्फ मैनेजमेंट लाना चाहते। सेल्फ मैनेजमेंट आज तक सब लोग मैनेजमेंट के बारे में बोलते थे, अभी एक नया कंसेप्ट आया मार्केट, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मतलब ये हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें जो गलती है मैं ही समझूँ और मैं ही सुधारूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है, एक पर्पज़ हमारा ये विजिट का ये भी रहता है कि वो लोग आते हैं हमारी वैल्यू समझते हैं और सेल्फ मैनेज करें उसको, वो खुद देखें उसकी प्रोडक्ट जो बनाई है और खुद सुधारे। हम उसको कुछ नहीं बोलते, वो खाली देखते हैं हमारी प्रोसेस कि भाई उसने जो कारपेट बनाई वो कैसी बनी है, और वो खुद बोलते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी और मैं सुधारूंगा या सुधारे। और जस्ट आपको एक और बात बताना मैं भूल जाता हूँ, बहुत बातें हैं, टाइम थोड़ा कम है, तो इसमें 40,000 में 80% लेडीज है। हाँ, इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट। ये बिजनेस खड़ा करने में मेरे तो 7 जन्म निकल जाए। हाँ, जो नंद किशोर जी ने एक मैजिक किया, जो हमारे ओनर है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप एक बार किसी को भी मिलना है मिल सकते, इट्स वेरी ओपन। सो आई थिंक मैंने आपका जवाब दे दिया, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इट्स वेरी ओपन फोरम। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टॉक। सर बार बार बोल रहे थे कि नंद किशोर जी से मिल लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी, एंड आई एम वन पर्सन हू कैन टोटली वाउच फॉर दैट। ही इज़ माय मेंटर, अ फादर फिगर टू मी। हर दिन मैं अपने आप के बारे में इतना कुछ सीख रही हूँ उनके थ्रू। So, I just want to invite you all for tomorrow's session. Tomorrow, Nand Kishore ji will be here on the stage, along with Kavita ji, who is his daughter and design director of Jaipur Rugs. She is also the mind, heart, soul behind the Mad Chaha collection, which is so much loved. So, yeah, if you guys are interested in meeting him, just come over. The schedule is right outside. You can see when the session is. ग्रेट, आई थिंक यस, ये आपने अच्छा बताया कि कल वो इधर ही है। यू कैन पार्टिसिपेट कल के, जो बहुत अच्छा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में 50 साल की एज हुई, और जो बोलते हैं ना कि अंदर से मैं हर बार ढूंढता था कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्या करने आया हूँ। जब उनको मिला तो मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ बिजनेस की बात है ही नहीं यहाँ पर। बिजनेस अगर ये जान लिया कि हम लोग क्या है तो अपने आप चलेगा। उनका थॉट जो है वो ऐसा है, और रियली अगर हम ये बात समझे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, और खुशी भी रह सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट वांट टू रैप अप विद something that Bhai Sahab says a lot. So he says that business is next to love, and businesses can transform societies. That's something that we are also trying to do here at Awaaz Studio. So humne initially baat ki thi that Jaipur Rugs works on this journey of artisan to artist, ek karigar ko kalakar tak banne ka jo safar hai wo.
And here at Avaaz Studio, we work on building the artist to become an art entrepreneur. So aap apni kala se kaise, how you can take that forward as a full-time career pursuit. That's what we do, and that's how both the organizations align, and I'm really, really, really looking forward to seeing you all tomorrow. To meet NKC, to meet Kavita, and learn more about this shared vision of ours. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you very much.